हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करते हैं फिर से एक बार वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मेरे पास कुछ है कि ये देखिए, जैसे कि ये कलेक्ट्रा एडिशन है फ्रेंड, और ये हैं कुछ एक स्टिकर। तो आज हम इन स्टिकर्स को इन कलेक्ट्रा एडिशन के अंदर चिपकाएंगे और हमारे इन कलेक्ट्रा एडिशन की खूबसूरती बढ़ाएंगे। तो मैं पिछले कई दिनों से सोच रहा था कि चलो कुछ कार्य करते हैं, आज संडे है तो आज थोड़ा टाइम मिला है, तो सोचा कि आज कुछ करते हैं, कलाकारी करते हैं, बैठते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं हमारे इन कॉमिक्स के साथ, इन कलेक्टर एडिशन के साथ। तो इन स्टिकर से इन कलेक्टर एडिशन की शोभा बढ़ाते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू और आपको दिखाते हैं ये वीडियो। तो चलिए फ्रेंड, करते हैं शुरू। और सबसे पहले ये है नागराज के युगारम्भ। तो इसमें देखते हैं स्पेस है अंदर कैसे क्या है। तो ये जैसे कि पहला पेज है, इस पर तो ये सिग्नेचर इत्यादि है, और इसके बाद ये नेक्स्ट में ब्लैंक। तो इसके युगारंभ में तो फ्रंट पेजेस नहीं हैं, स्टार्टिंग में जैसे ये जो होता है ना येलो पेज, तो इसमें तो ये सिग्नेचर है और ये ब्लैंक है, बस ये ब्लैंक यही है बस। तो इसके ऊपर हम नहीं लगाएंगे। और फ्रेंड ये है ध्रुवोदय। तो ध्रुवोदय का तो मैंने मुहूर्त पहले ही कर दिया था फ्रेंड, इंतज़ार नहीं हो रहा था तो सोचा चलो अपने दर्शकों के लिए भी एक वीडियो बना देते हैं। तो अभी इसके ऊपर मैंने नहीं लगाए हैं युगनायकम के ऊपर, ध्रुवोदय को मैंने कंप्लीट कर दिया है। चलो एक बार आपको ध्रुवोदय की खूबसूरती दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये यहाँ पर जो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता था वो मैंने यहाँ चिपका दिया है, और उसके बाद ये देखिए ना ध्रुव, और नीचे नेम का सुपर कमांडो ध्रुव, क्या शानदार इसकी अब खूबसूरती बढ़ गई है। और उसके बाद ये देखिए ये चंडिका, और ये ध्रुव भागता हुआ, और एक ये द कमांडो फोर्स रेनू पीटर करीम, इनको भी मैंने इसमें कलेक्टर एडिशन में स्थान दिया है क्योंकि ये महत्वपूर्ण पार्ट हैं सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स के। और यहाँ पर बस मैंने इतना ही ये कुछ करा है और बाकी इसके अलावा कुछ नहीं किया है मैंने, पीछे मैंने खाली ही रखा है। तो फ्रेंड बचपन में काफ़ी ज़्यादा शौक़ होता था स्टिकर लेने का, स्टिकर मिलते नहीं थे, कोई एक आधा मिलता था बस, या फिर मिलते ही नहीं थे स्टिकर। तो अब स्टिकर मिले हैं तो थोड़े से स्टिकर थे एक्स्ट्रा मैंने मंगवाए थे, एक सेट आया था, आपको वो सेट दिखाता हूँ फ्रेंड। देखिए उसमें ये ध्रुव के स्टिकर भी उसके अंदर आए थे, जैसे कि ये है, ये 200 रुपये का सेट आया था मनोज गुप्ता जी की तरफ से, ये विंटेज क्लासिक स्टिकर थे। और इसमें ये बांकेलाल, और ये पीछे नागराज, सर्प, सिंगनांग, ये मतलब इस तरह के स्टिकर का एक कॉम्बो आया था 200 रुपीज का, तो वो मैंने ऑर्डर किया था। तो अब यही हम इस पे चिपकाएंगे हमारे कलेक्टर एडिशन पे। और एक ये नागराज वृतांत 2 है, इसके ऊपर भी ये देखिए मैंने यहाँ पर नागराज का नेम स्टिकर, और नीचे ये कितना शानदार स्टिकर है, ये मैंने इस पर चिपकाए हैं क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं भरे हैं इनको इन स्टिकर से, क्योंकि ज़्यादा भरने से कुछ ओवर ही लगती है ये, तो मैंने यहाँ लगा दिए, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं अब ये स्टिकर। कभी छुट्टियों में इनको पढ़ लेते हैं, कॉमिक्स को निकाल कर पढ़ते तो क्या है, बस इनके साथ खेलते हैं जैसे बचपन में खेलते थे, इनको निकाल लिया, अच्छी तरह देखा, कहीं से फटी फूटी हो तो उसकी केयरिंग कर दी। तो मतलब इस तरह के वो बचपन अब तक गया नहीं है, क्या करें बचपन है जाता नहीं है। और ये ध्रुवोदय थी, और ये नागराज वृतांत, और उसके बाद ये थी युगनायकम। तो इसके ऊपर मैंने अभी नहीं चिपकाए हैं कोई भी स्टिकर। ये देखिए आपको दिखा देते हैं, ये देखिए स्टार्टिंग बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ भी ब्लैंक है, तो हम इसके यहाँ फ्रंट पर ही ये स्टिकर लगाएंगे। और ये देखिए ये दो इसमें घल नायक और महानायक, ये दो इसमें हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ स्टिकर मेरे पास, जैसे कि ये है अशोकराज के, मेरे पास ये पुराने स्टिकर थे काफ़ी, इनको कम से कम 15-20 साल हो गए हैं फ्रेंड, इनको संभाल के रखा हुआ था स्टिकर्स को। और एक ये देखिए ये अपने रथ के ऊपर अश्वराज, और एक ये एक्शन में। तो और इसके अलावा ये तीन स्टिकर फ्री थे जो कि युगनायकम के साथ थे, और ये स्टिकर मुझे कुछ इतने अच्छे नहीं लग रहे फ्रेंड, तो मैं इनको तो यहाँ नहीं चिपकाऊँगा, और ये भी इनको भी मैं संभाल कर रखूँगा फ्रेंड, ये काफ़ी यादगार स्टिकर हैं 20 साल पुराने, और इनको भी मैं नहीं लगाऊँगा।
तो मैंने इनके लिए चूज़ करे हैं फ्रेंड, ये देखिए ये वाले स्टिकर, इसमें अश्वराज के दो, भोकाल के तीन और ये गोजो के भी दो स्टिकर हैं, तो मैं इनको ही यहाँ पर लगाऊंगा फ्रेंड। तो सबसे पहले हम इसको इसी सीक्वेंस में लगाएंगे फ्रेंड, आपको दिखा देते हैं। जैसे कि ये है अश्वराज का, तो अश्वराज का ये वाला स्टिकर मैं ये देखिए आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये तो है बड़ा स्टिकर और ये देखिए सेम पोज में छोटा स्टिकर है ये। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये वाला स्टिकर मैं यहाँ लगाऊंगा। चलिए इसको लगा देते हैं ऐसे ही एज इट इज, एक यहाँ पर, एक बीच में और ये नीचे आएगा। तो चलिए पहले हम ये जो है ये हमारा बचपन है फ्रेंड, और बचपन में कॉमिक्स की बहुत केयरिंग करते थे हम, इनको बहुत संभाल कर रखते थे। और अश्वराज की तो मैं जनरल इशू ही लेता था क्योंकि वो 6 रुपये की आती थी, और इसके अलावा जो 16 रुपये की कॉमिक्स आती थी फ्रेंड, उसके लिए पैसे को इकट्ठे करने काफ़ी मुश्किल हो जाता था फ्रेंड, तो काफ़ी बजट भी बढ़ जाता था। तो इसको मैं लगाता हूँ ए यहाँ पर, ये देखिए फ्रेंड, और साथ में स्टिकर भी आते थे, पर 16 रुपये 25 रुपये की कॉमिक्स लेना काफ़ी मुश्किल होता था क्योंकि बचपन में 50 पैसे ही मिला करते थे, 50 पैसे के हिसाब से एक हफ्ते में 6 रुपये इकट्ठे होते थे फ्रेंड। फिर कॉमिक्स आने के बाद पिटाई भी काफ़ी ज़्यादा होती थी हमारी, और इनको इन स्टिकर्स इन कॉमिक्सों के साथ ही बचपन बीता है हमारा भी। आप ही की तरह जैसे आपका बचपन है वैसे ही सभी हमारा भी बचपन था फ्रेंड। इन स्टिकर काफ़ी शानदार करेक्टर होते थे, भोकाल, परमाणु, डोगा, मेरा फेवरेट अश्वराज था, ध्रुव, और कुछ एक कॉमिक्स मैं भोकाल परमाणु के भी पढ़ लेता था, काफ़ी अच्छी मज़े आते थे पढ़ने में, कलेक्शन करने में काफ़ी ज़्यादा मज़े आते थे फ्रेंड। 6-6 रुपये जोड़कर, तिनका तिनका जोड़कर, जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है वैसे ही हम 50 पैसे 25 पैसे 1 रुपये जोड़ के 6 रुपये इकट्ठे करते थे, 16 रुपये इकट्ठे करते थे, और उसके बाद कॉमिक्स परचेज करते थे। तो वो भी क्या ज़बरदस्त दिन थे। और ये तो हमने यहाँ लगा दिया है फ्रेंड। अब हम ये बीच वाला स्टिकर मेरे को सही लग रहा है, या ये स्टैंडिंग कौन सा लगाएं, या फिर उड़ता हुआ, चलो ये लगाते हैं ये वाला स्टिकर। इसमें इसके निक्कर का रंग थोड़ा सा वो है देखिए फ्रेंड, तो या फिर ये स्टैंडिंग, नहीं ये लगाते हैं बीच वाला स्टिकर हम इस पे लगाएंगे। और ये स्टिकर फ्रेंड मैं अभी दोबारा ऑर्डर करूँगा अगर मिल जाते हैं तो, क्योंकि बीच में ये आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। इसको देंगे जगह यहाँ पर, क्योंकि पहले जो स्टिकर मिलते थे फ्रेंड इनको मैं कहीं नहीं लगाता था, हमने संभाल कर रखता था, और अब भी मैं इनको संभाल कर ही रखता हूँ क्योंकि इसका मैं दोबारा ऑर्डर करूँगा। तो ये तो मैंने वैसे यूज कर ली, और बाकी जो दूसरा आएगा इसका जो पैक आएगा उसको मैं संभाल कर रखूँगा। और मेरे जैसे कई हमारे मित्र हैं जो इन स्टिकर को कैरी करके रखते हैं, इन्हें अपनी नोटबुक या कहीं भी यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसमें हमारा बचपन है, दमे दिखता है, हमारा प्यार है इस स्टिकर्स में और इन कॉमिक्स में। तो उसके बाद अब नीचे की तरफ ये वाला लगाते हैं फ्रेंड नीचे, ये गोजो का। चलिए ये लगाकर हमारी इस कलेक्टर एडिशन की खूबसूरती बढ़ाते हैं। और फ्रेंड ये वाला मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, इसको यहाँ लगाता हूँ, इसको यहाँ जगह देता हूँ गोजो को। और ये लीजिए, ये बन गई हमारी शानदार, ये देखिए टन टन टन, ऊपर अश्वराज, बीच में भोकाल और नीचे गोजो, तो क्या जबरदस्त। और उसके बाद ये भी है एक राज कॉमिक्स बाय, क्या इसको भी लगाएं, इसको भी चलो लगा देते हैं, इसको भी ये उतारा, और इसको हम जगह देंगे यहाँ पर, या यहाँ या यहाँ, यहाँ लगा देते हैं, यहाँ ठीक रहेगा। चलिए ये लीजिए फ्रेंड, तो ये हमने इस पे लगा दिए हैं, पहले ऐश्वराज का, फिर भोकाल, उसके बाद ये गोजो नीचे की तरफ। ये भोकाल थोड़ा सा ऊपर हो गया है, बीच में थोड़ा गैप आ गया है, चलो कोई बात नहीं, लगा दिए हैं। तो अब जैसे ये खुलेगी हमारे युग नायका में से, और ये दिखेगा फ्रंट में, क्या
क्या जबरदस्त। और यहाँ नहीं लगाएंगे हम, और ये खलनायक पहला ही, ये देखिए और ये देखिए तीनों, तो ये हमने लगा दिए हैं। उसके बाद ये आपको कुछ एक स्टिकर और दिखाते हैं फ्रेंड, ये कॉम्बो सेट आया था इसका, आपको फिर से बता देते हैं। और इसमें ये है बांके लाल, तो ये हम लगाएंगे बांके लाल का जो कलेक्टर एडिशन आएगा ना मनोज गुप्ता जी की तरफ से, तो इसको हम वहाँ स्थान देंगे बांके लाल को, तो उस कलेक्टर एडिशन में ये स्टिकर लगाएंगे हम। और ये भोकाल अति क्रूर फूचांग शुतान, तो मैं सोच रहा था कि अभी जो 8 कॉमिक्स आई थी चमत्कारी भोकाल सीरीज की, तो उसका क्योंकि मैंने सिंगल इशू तो उसके मंगा लिए हैं, अभी कलेक्टर एडिशन आया हुआ है, तो सोच रहा हूँ मंगाऊँ या नहीं मंगाऊँ, बस उसी में कंफ्यूज हूँ, बाकी इसको देखते हैं। और ये देखिए ये है नागराज, इसमें नागराज के फ्रेंड भी हैं और ये विलेन भी हैं, तो ये काफ़ी समय पहले स्टिकर आए थे फ्रेंड्स, तो इनको भी कहीं ना कहीं तो हम जगह जगह अवश्य देंगे, इन स्टिकर्स को भी किसी कलेक्टर एडिशन में देंगे जगह। और ये थे फ्रेंड, और ये बच गए हैं 3-4 स्टिकर, तो इसको और लगाएंगे यार, इसमें कहीं ज़्यादा ओवर लगेगी और लगाने पे स्टिकर, फिर मतलब गंदी से लगेगी फिर ये, तो इस पे हम नहीं लगाते हैं, और इन स्टिकर को हम डाल देते हैं हमारी पैकेजिंग में ही, और इन्हें और कहीं यूज करेंगे। और ये तो मेरे जो सदाबहार स्टिकर थे, ये देखिए फ्रेंड, इनको तो मैं फिर से अपने कलेक्शन में इनको सजा कर रखूँगा। और ये जो 3 स्टिकर दिए थे इनको, ये मुझे स्टिकर अच्छे नहीं लगे, अजीब से लग रहे हैं स्टिकर यार, ये इतने ब्यूटीफुल नहीं है, इनमें विंटेज लुक वो पुराने वाला मज़ा नहीं आ रहा इनके अंदर। और ये ध्रुवोदय तो आपको फिर दिखा देता हूँ, ये देखिए एक बार, ये यहाँ पर, और ये स्टिकर भी इस कॉम्बो में आए थे फ्रेंड, 200 का कॉम्बो था, उसमें ये ध्रुव के और कमांडो फोर्स का ये स्टिकर था। ये देखिए कितनी शानदार हो गई है मेरी ध्रुवोदय, अब इसका बस अगली का वेट है, अगली कब आएगी कलेक्टर एडिशन में, तो उनको भी इसी तरह से सजाया जाएगा। तो ये हमने बढ़ाई है हमारे कलेक्टर एडिशन की शोभा। तो फ्रेंड आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया है, और यार ये देखो फ्रेंड वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया, बातों में पता ही नहीं चला 12 मिनट का हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड करते हैं इस वीडियो को बंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू।